तो हम कोटी कनासर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं त्यूनी साइड। वैसे हमें जाना हनोल, जो यहाँ से 66 किलोमीटर दूर है। त्यूनी है करीब 51। तो रोड अच्छा ही है, ये बस यही है कि पतला है। ये लिखा है से त्यूनी 52 किलोमीटर दूर है, 52 रह गया। व्यू देखो ये राइट में, बड़े ही प्यारे नज़ारा चल रहा है साथ में। ये देखो अमेजिंग, मतलब व्यूज तो हमें पूरे रास्ते में ना कल भी और आज भी बहुत ही सुंदर देखने को मिले हैं। कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकते नज़ारे, ऐसे नज़ारे हैं, ऐसी ग्रीनरी है। ये आया है कोई छोटा सा कस्बा, और वैसे इस रूट पे ना बहुत ही कम गांव देहात आ रहे हैं। तो इस जगह का नाम है दारागाड़। अभी 15 किलोमीटर रहता है त्यूनी यहाँ से। हम ये पहुँच गए हैं त्यूनी। तो त्यूनी इस रूट का एक अच्छा बड़ा शहर है, और ये यहाँ से हिमाचल को भी कनेक्ट करता है, तो यहाँ से हिमाचल भी बहुत पास है। हम तो राइट ले लेंगे, हनोल की तरफ चले जाएंगे, और अगर लेफ्ट ले लेते हैं ना, यहाँ से आगे से है वो, तो हिमाचल की तरफ चले जाते हैं। तो ये त्यूनी में दो कट आए हैं, एक तो नीचे की तरफ जो गया है ये हिमाचल की तरफ चला गया, और हम मैनग्रज जो लिखा है 6 किलोमीटर इस वाले रूट पे लेना हमने, ये ऊपर की तरफ हनोल की तरफ ये वाला रास्ता गया है। तो काफ़ी बड़ा बाजार है त्यूनी, काफ़ी बड़ा बाजार है। जिस हिसाब से मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि ये तो छोटा सा, ये वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था एक्चुअल में, अब तो ये ख़त्म ही नहीं हो के दे रहा त्यूनी, लगातार चले जा रहा है। और यहाँ पर पेट्रोल पम्प भी है, अभी आगे मैप में दिखा रहा है। अब हम टॉन्स रिवर के पैरेलल चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से लेफ्ट में आपको दिख रही होगी नीचे टॉन्स रिवर गोरी, और यहाँ पर तब्बर रिवर और टॉन्स रिवर का है ना संगम हो रहा है। देखो ये मैप में तो दिख रहा है। तो अभी हम तो जो पैरेलल चलेंगे वो चलेंगे टॉन्स के। वो देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा रेनबो, कितना प्यारा लग रहा है एकदम से, काफ़ी दिनों बाद देखा है मैंने रेनबो, और वो भी इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा रेनबो बना हुआ है। तो हम पहुंच गए मैंद्रत के बादशाह महाराज, बादशाह महासू जो हैं उनके मंदिर में। बाहर बारिश हो रही है, और ये सामने जो मंदिर है तो ये बादशाह महाराज का है। तो जो महासू महाराज है ना, उनके चार भाई हैं टोटल, वो चारों को मिला के महासू देवता कहते हैं। तो उसमें से एक है बादशाह, एक है पवासिक, एक है चालदा महाराज, और एक है बोथा महाराज। तो ये है बादशाह महाराज का मंदिर, महासू देवता ही है भी। तो ये मैंद्रत में है, और ये काठकुनी स्टाइल का बना हुआ मंदिर है, तो जिसमें लकड़ी का और पत्थर का प्रयोग करा जाता है, हिमाचली स्टाइल में होता है बेसिकली मंदिर। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं एक बार बादशाह महाराज जी का जो मंदिर है कैसा है। इसकी डिजाइनिंग और आर्ट एंड आर्किटेक्चर बड़ा सुंदर है, और ऑन रोड ही है बिल्कुल। ये अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने करी नहीं अंदर। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे हनोल की तरफ। तो ये मैंद्रत है जहाँ पर ये बादशाह महाराज का मंदिर है, और यहाँ से अब हम चल दिया हनोल की तरफ। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं तो हनोल में जाके रुकेंगे, उससे पहले कोई हमें रास्ते में अच्छा मिल गया तो वहाँ भी रुक सकते हैं हम। तो ये वेलकम टू हनोल का बोर्ड आ गया 9 किलोमीटर यहाँ से मैंद्रत से। तो यहीं पे हमें वेलकम कर दिया गया हनोल के लिए। हम हैं हनोल से 4 किलोमीटर पहले, और हमें यहाँ पर एक बढ़िया कॉटेजेस दिख गई, तो हमने यहीं पर ही रुकने का सोच लिया। देवभूमि कॉटेजेस है इनका नाम। इसके आसपास की सराउंडिंग देखो कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे इनके पास कार पार्किंग है, 3-4 कार आराम से पार्क हो सकती हैं। तो यहाँ पे कार तो हमारी होगी फर्स्ट क्लास पार्क। ये देखो देवभूमि कॉटेजेस एंड रेस्टोरेंट, ये इनका मोबाइल नंबर है, तो अगर आप मोबाइल के थ्रू बुक करना चाहते थे इस पर कॉल करके भी बुक कर सकते हैं इन्हें। तो ये इनका पूरा ऐसे एक गार्डन टाइप बना रखा है इन्होंने बड़ा सा। अच्छा बढ़िया लोकेशन, बहुत बढ़िया इनके, और पीछे देखो ग्रीनरी एकदम मस्त हो रखी है। और इनके पास ये कई कॉटेजेस हैं, तो हमने ले लिया कॉटेज, अभी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो इनकी लाइन से 4-5 कॉटेजेस हैं, इसमें से ये वाली कॉटेज हमने ली है। नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है काफ़ी। टीवी भी लगा हुआ है, ऐसे टीवी हम देखते नहीं है आजकल, टीवी कौन देखता है मोबाइल के ज़माने में। तो ये तो रूम है इनका, बेडरूम, एंड ये है बाथरूम। तो सही है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ बढ़िया है। और ये हमें मिला 1200 रुपये में। तो भैया बता रहे थे कि ऑफ सीज़न है तो इसलिए इतने का है, जो सीज़न में थोड़ा सा और 1500-1800-2000 रुपये का भी रूम होता है जब सीज़न होता है। तो अच्छा है, इतने में जिस हिसाब से फैसिलिटी है, नीट एंड क्लीन है, बढ़िया परफेक्ट है। तो हम ये देवभूमि के रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है रेस्टोरेंट, एंड हमने दाल तड़का और रोटी बोली है, तो ये आ गई है, और साथ में चावल। तो ये आ गया हमारा खाना, दाल तड़का, रोटी एंड चावल।
अच्छी है, बढ़िया है, घर जैसी है, सिंपल एकदम। तो फटाफट खा लेते हैं अपना डिनर। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हम रुके थे यहाँ पे देवभूमि कॉटेजेस में एंड अब हमने चेकआउट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सीधे यहाँ से हनोल, जो 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे महासू देवता का मंदिर है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे करें, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और नज़ारे तो यहाँ से अमेजिंग है ही, ये देखो कैसे हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और आज पूरे बादल हैं, पूरी रात बारिश हुई थी, तो उससे ग्रीनरी और भी ज़्यादा एकदम निखर के आ रही है, एकदम लश ग्रीनरी है। और 5 किलोमीटर दूर यहाँ से मात्र हनोल है। रोड तो ओवरऑल हमें पूरे रास्ते अच्छी ही मिली है, रोड तो अमेजिंग है ही। प्लस हमारे साथ जो नीचे लेफ्ट में ना टोन्स नदी हमारे पैरेलल चल रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा झरना मिला हमें और बिल्कुल सीधा रोड पे ही गिर रहा है इसका पानी, ये देखो। तो ये हमें दूर जो दिख रहा है वो सामने, वो है हनोल अभी 1 किलोमीटर है उससे पहले, और नीचे जो बह रही है वो है टोन्स नदी। नज़ारा देखो कितना प्यारा है इसका यहीं से। तो ये हनोल आ गया, और हनोल में एंट्री में बड़ा ही सुंदर ये गेट बना हुआ है, ये रहा महाशिव द्वार। महासू को महाशिव भी कहते हैं, उनका जो नाम है महाशिव है। तो महासू देवता मंदिर हम पहुंच गए, और यहाँ पे काफी बड़ी पार्किंग है, और यहाँ पे पता नहीं मेरे ख्याल से कोई मेले की तैयारी वगैरह चल रही है, ऐसे टेंट वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी विशाल पार्किंग है, मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो पार्किंग से मेरे ख्याल से 50-60 मीटर चलना पड़ेगा हमें बस, और वो सामने मुझे गेट दिख गया है। अच्छा यहाँ पे भी प्रसाद की शॉप है, जिसमें ये अगरबत्ती वगैरह ना, धूप अगरबत्ती, और ये चुन्नी है, और चुन्नी के साथ क्या, और सिरबल। सिरबल क्या चीज़ होती है, फल होता है कोई? सिरफल है, वो होता है नारियल जो होता है। हाँ। नारियल है, अच्छा अच्छा। तो 50 रुपये एक पैकेट है। तो ये कई सारी शॉप्स हैं प्रसाद की, महासू देवता मंदिर के साथ में यहाँ पे। एंड ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, ये कि इसके 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती, और ये सारी चीज़ लिखी हैं, और ये सूचना भी लिखी है इसके बारे में, आप पढ़ सकते हैं। और जूते चप्पल का यहाँ पे भारी स्टैंड है गेट के पास, तो हमने शूज़ उतार दिए अपने और चलते हैं अभी अंदर। जय महासू देवता। ये गेट है, और गेट से जैसे अंदर हम एंटर करते हैं ना, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये देखो कितना प्यारा टेम्पल है, और इसके पीछे एकदम से ये पहाड़ बहुत ही सुंदर है। और ये जो महासू देवता जो मंदिर है ना, ये काठ कुनी स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। काठ का मतलब होता है लकड़ी, कुनी का मतलब होता है पत्थर, तो लकड़ी और पत्थर के मिक्सचर से बनाते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऊपर जैसे आपको दिख रहा होगा लकड़ी का होगा, फिर पत्थर का है, फिर ऐसे। तो ये बेसिकली हिमाचल में ये ट्रेंड चलता है, तो जो ये एरिया है ना हिमाचल से काफ़ी पास है, तो यहाँ पे हिमाचली जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये काटकुनी स्टाइल में इस टाइप के मंदिर आपको उत्तराखंड में कम और हिमाचल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ महासू देवता मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है, और जो इसका शिखर है ना नागरा स्टाइल में बना हुआ है। तो जो मंदिर की जो स्टाइल है ना, ये है नागरा स्टाइल, और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जो ये बोटा महासू है, एल्डेस्ट ब्रदर है चारों महासुओं में, सबसे बड़े भाई हैं ये वाले, और जौनसार बावर ये रीजन पड़ता है। और ये माना जाता है कि ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर बनाया गया है, और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टोन और वुड इन दोनों चीज़ों से बनाया गया है। और यहाँ पे साइड में मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साइड में यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं कहीं, ये देखिए ये रहे, और ये है मेन टेम्पल, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। सराउंडिंग भी इसकी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और जो महासू है ना, महासू का मतलब महाशिव, तो जो ये महासू देवता है ये है शिव जी का अवतार। तो महासू देवता मंदिर की स्टोरी ये है कि पहले इस जगह को है ना हनोल का चक्रपुर कहा जाता था, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो यहाँ पर एक है ना किरमिर नाम का राक्षस रहता था, जो हर महीने एक आदमी की बलि लेता था। तो एक हुना भट्ट करके एक ब्राह्मण थे यहाँ पे, उनके 7 पुत्र थे, जिसमें से 6 पुत्रों की बलि ले चुका था किरमिर, और एक ही बचा था उनका। तो उनकी जो पत्नी थी वो नदी के किनारे पानी भर रही थी, तो अचानक वहाँ पर किरमिर प्रकट हुआ, और वो भागी उसे देख के अपना बर्तन छोड़ के, बर्तन में इसमें पानी भर रही थी। तो बर्तन में से एक भविष्यवाणी हुई कि अगर किरमिर का वध करवाना है, किरमिर का अंत करना है, तो अपने पति को बोलो कि कश्मीर की तरफ जाए, वहाँ पे महासू देवता हैं, उनसे प्रार्थना करें और उनको लेकर आए, वो आपको इससे निवारण दिलाएंगे किरमिर से। तो ऐसा ही हुना भट्ट ने करा, वो कश्मीर गए, वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करी महासू देवता से, और महासू देवता उनके साथ आए, और उन्होंने आके यहाँ पे किरमिर का वध करा, और उसके बाद से इस जगह का नाम हनोल इसलिए पड़ गया हुना भट्ट के नाम पे, ऐसा यहाँ पे मान्यता है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है।
और जो ये महासु देवता है ना, ये कोई एक देवता नहीं है, ये टोटल चार भाई हैं। इसमें जो ये वाला जो मंदिर है, ये सबसे मेन मंदिर है हनोल में, ये है बोटा महासु, उसके बाद है चालदा महासु, पवासिक महासु और बासिक महासु। तो ये टोटल चार हैं। तो बासिक महासु जो हैं, उनको हमने कल हमने उनके दर्शन करे थे मेंद्रत करके, यहाँ से कोई 9-10 किलोमीटर दूर जगह है, उनसे हमने कल दर्शन करे थे। बोटा महासु जो है वो यहाँ पे दर्शन होते हैं उनके यहाँ पे हनोल में। वैसे यहाँ पर चारों भाइयों की मूर्ति है, लेकिन मेन ये मंदिर जो है ये बोटा महासु का है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है थडियार, उधर है पवासिक महासु। और जो चालदा महासु जो चौथे भाई है ना, वो भ्रमण प्रिय देवता है, वो एक जगह पे उनकी पूजा नहीं होती, उनकी अलग अलग जगहों पे पूजा होती है। तो ये यहाँ की स्टोरी है, ये हनोल जो टेंपल है इसकी ये स्टोरी है। तो जो ये महासु देवता मंदिर है ना, यहाँ पर आपको बकरियाँ ऐसी घूमती हुई दिख जाएंगी। पहले यहाँ पर ये जो बलि की प्रथा होती थी वो अब बंद हो गई है। तो अब क्या करते हैं, किसी को भेंट करनी होती है ना बकरा महासु देवता को, तो वो यहाँ पे लाके उनको छोड़ देते हैं, फिर ये अपनी नॉर्मल मृत्यु को प्राप्त होते हैं पूरी अपनी एज के बाद। तो यहाँ पर आपको कई बकरे घूमते हुए नजर आएंगे, ये रे। तो ये भेंट है जो महासु देवता को चढ़ाई है लोगों ने, लेकिन अब बलि नहीं होती यहाँ पे। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। तो महासु देवता जो है ना, इनको न्याय का देवता भी कहते हैं, गॉड ऑफ जस्टिस। तो यहाँ के जो लोकल लोग जौनसारी और बावर ये एरिया कहलाता है, तो इधर के जो लोग होते हैं ना, जब उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ पे आते हैं और एक लोटे में पानी भरा जाता है और उन दोनों पक्षों को पिलाया जाता है। तो जो भी पक्ष गलत होता है ना, उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है उस पानी को पीने के बाद। तो ये कहते हैं ये जस्टिस है महासु देवता का। और इनफैक्ट अगर आपका कोर्ट में कोई केस भी चल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 रुपये चढ़ा के, मात्र 1 रुपये चढ़ा के अर्जी लगाई जाती है, ताकि आपका कोर्ट का जो केस है वो सॉल्व हो सके। और ऐसा होता भी है, यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो जो महासु देवता है वो न्याय के देवता भी हैं, न्याय भी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है ना, जब पांडव लाक्षाग्रह में बचने के बाद, जब दुर्योधन ने उन्हें लाक्षाग्रह में जलाने की कोशिश करी थी, उससे बचने के बाद इधर कुछ टाइम आके रुके थे, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से कह के एक रात में ही इस मंदिर का निर्माण करवा दिया था। तो ये पांडवों के काल का मंदिर है ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर ये दो बड़े बड़े पत्थर हैं, एक ये गोल और एक वो, तो इनको ये माना जाता है कि भीम के कंचे हैं ये, तो इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तो मैं इनको उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, पानी में कीचड़ में है अभी ये तो दोनों। तो एक तो ये है, एक ये रहा, ये भाई ये करीब 40-50 किलो के हैं, काफ़ी भारी हैं, तो लोग इन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। और एक ये वाला है, ये बड़ा है, ये रहा। तो इनको कहते हैं भीम के कंचे। तो ये महासु देवता मंदिर के जस्ट पीछे बहती है टोंस नदी, जो आती है यहाँ से आगे मोरी साइड से, वहाँ आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, वो है थडियार गांव और वो है पवासिक महाराज। तो टोटल चार भाई हैं, मैंने आपको बताया था, जो महासु देवता है। बासिक महाराज के हमने कल कर लिए थे दर्शन, बोटा महाराज के यहाँ पे करे, और वो चालदा महाराज तो भ्रमण प्रिय हैं, वो दस्यू गाँव में है, और जो चौथे वाले पवासिक महाराज हैं वो यहाँ थडियार में। तो जो चालदा महासु है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो भ्रमण प्रिय देवता हैं जिनकी एक जगह पे पूजा नहीं होती, अभी फिलहाल जो उनकी पूजा चल रही है दसेओ गांव में, तो यहाँ से काफ़ी दूर है वो, तो अभी फिलहाल वहाँ पे 2 साल तक वहाँ रहेंगे, फिर उनकी किसी दूसरी जगह पे स्थान पे शिफ्ट करके फिर उधर पूजा होगी। तो ये यहाँ पे पंडित जी हैं। पंडित जी नाम क्या आपका? श्री रायदत्त जोशी है। अच्छा, श्री रायदत्त जोशी जी हैं। तो वो ये बताएंगे हमें, यहाँ पे मेला लगता है आप बता रहे हैं, तो क्या होता है उस टाइम जब मेला लगता है? ये जैसे हमारे महासु महाराज का चारों महासुओं का स्नान होता है, साल का एक दफे का जो स्नान होता है वो स्नान होता है। और फिर जागरे में सभी लोग जितने भी इसके कारिंदे हैं और महासु महाराज के चारों महासुओं के, वो सभी लोग जागरे में आते हैं, खुशी का पर्व माना गया वो। तो उससे मेला वगैरह भी लगता है? बिल्कुल, मेला ऐसा लगेगा कि कम से कम 35-40 हज़ार तक लोग आते हैं। 35-40 हज़ार तक लोग आ जाते हैं। और यहाँ भंडारा महाराज की तरफ से होता है। साल कब बता रहे हैं आप, कब है मेला? इस साल 6 सितंबर को है, 6 सितंबर 2024 को मेला है। मेला अभी तो एक दिन चलता है मेला? 2 दिन चलेगा, 6 को और 7 को। ठीक है पंडित जी, ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि महासु देवता न्याय के देवता हैं, तो यहाँ पे देखो डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है किसी का, ये देखो समझा रहे हैं पंडित जी। दया करनी है तब एकता का वचन करो। तो ये यहाँ पे डिस्प्यूट का सोल्यूशन हो रहा है बैठ के, एंड जो महासु देवता की आज्ञा होगी वो सब लोग मानते हैं। तो महासु देवता मंदिर के साथ में ही जो छोटे से आपको जितने भी ये घर वगैरह दिख रहे हैं सारे, छोटा सा है ये है सारा हनोल। तो हनोल में पड़ता है महासु देवता मंदिर, तो छोटा सा ही हनोल लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पे स्टे ऑप्शंस भी हैं, होटल वगैरह भी हैं, धर्मशाला भी हैं। तो अगर आपको आके यहाँ पे रुकना है तो रुकने के ऑप्शन भी है यहाँ पे। इनफैक्ट जो घर भी बने हुए हैं ना, आपको ये दिख रहा होगा सामने जो घर बना हुआ है, ये भी उसी स्टाइल का बना हुआ है, काठकुनी। इसमें लकड़ी का और पत्थर का दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ का जौनसारी घर कह सकते हैं इसे हम। तो हनोल जो ये जगह है ना, ये 1050 मीटर अबव सी लेवल है, तो ज़्यादा हाइट पे नहीं है। तो यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह तो नहीं होती है, सर्दियों में नॉर्मली वेदर रहता है, सर्दियों में ठंड पड़ती है लेकिन स्नोफॉल वगैरह नहीं होती। और यहाँ पे ना जियो के और एयरटेल के दोनों के सिग्नल नहीं आ रहे। मैं ये कहूँगा बहुत 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 ही अच्छी जगह है, अ मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं, और नहीं भी जा रहे हैं तो स्पेशली अगर आप इस तरफ आएंगे तो भी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी जगह। तो ये हनोल की जो मार्केट है उसके बीच में से हम जा रहे हैं थर्डियार के लिए, जो यहाँ से करीब आधे किलोमीटर दूर होगा। वहाँ से फिर हम जाएंगे पवासेक महाराज के मंदिर। तो ये है हनोल की छोटी सी मार्केट, और यहाँ रुकने के लिए आपको होम स्टे वगैरह और होटल वगैरह मिल जाएंगे, और धर्मशाला वगैरह भी बनी हुई यहाँ पे। तो ये हम पहुँच गए थर्डियार, और यहाँ पर है ब्रिज टोंस नदी के ऊपर। पूरा हिल रहा है, छोटा सा ब्रिज है, और ये नीचे देखो टोंस नदी का विकराल रूप बारिश की वजह से। ये देखो ये रही टोंस नदी नीचे, ये रही। और यहाँ से करीब करीब 200-300 मीटर जाना पड़ेगा मंदिर के लिए हमें। बहुत ही सुंदर जगह है, नज़ारा देखो चारों तरफ का। और वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी अपनी। तो ऐसे रास्ते से होके जाना पड़ता है थड़ियार गांव के लिए, और वहाँ ऊपर मंदिर है। बस ये हमें थोड़ा सा यूं करके चढ़ के जाना पड़ेगा। ये कोई छोटा नाला आ रहा है, इसमें भी पानी देखो कितना ज़्यादा है। ये जाके नीचे अभी टोंस में मिल जाएगा वहाँ पे आगे। तो जहाँ हमने कार पार्क करी थी वहाँ से करीब आधा किलोमीटर होगा ये पवासेक महाराज के यहाँ तक आने का। और ये रहा मंदिर, और यहाँ पे आपको भोले शंकर की प्रतिमा दिखेगी, काफ़ी अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। माँ पार्वती और गणेश जी साथ में, और नंदी साइड में काफ़ी बड़े नंदी बने हुए हैं। और ये रे, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो महासू देवता है वो टोटल 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई है पवासेक महाराज जो यहाँ पे विराजमान है। ये मंदिर है उनका, ये जो दिख रहा है आपको, और यहाँ से हनोल भी नज़र आता है। हनोल का मंदिर अगर आपको देखना हो तो भी दिखाता हूँ। वो रहा, वो हनोल है, वहाँ से हम आए हैं। वो बोटा महाराज को समर्पित है वो मंदिर जो हनोल में महासू देवता का है, और ये है पवासेक महाराज को। तो अच्छी जगह है, बस ये आधा किलोमीटर की एक छोटी सी आपको ट्रैक ज़रूर करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए। और जिस गांव में ये मंदिर है ना पवासेक महाराज का, वो है थर्डियार। यहाँ पे थोड़े से घर बने हुए हैं, छोटा सा ही गांव है, हनोल तो इससे बड़ा है। यहाँ अंदर विराजमान है पवासेक महाराज, वो शिव का ही रूप है, आपको पता ही है महासू देवता, तो इसलिए बाहर नंदी विराजमान है और अंदर है पवासेक महासू। तो ये जो पवासेक महाराज का मंदिर है ये भी काठकुनी स्टाइल में बना है, इसमें लकड़ी का और पत्थर दोनों का प्रयोग करा गया है। तो यहाँ पे जो मंदिरों की डिज़ाइनिंग है सबकी सेम ही है। तो ये हम हनोल की मार्केट में आ गए, यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स ढाबे हैं, तो यहाँ पे बैठते हैं और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बन रहे गर्मा गर्म पराठे, और साइज देखो पराठे का, साथ में छोले। तो हमने आलू का पराठा ऑर्डर करा, आलू का ये पराठा है ना। तो ये आ गया हमारा आलू का पराठा एंड छोले, सही है। तो अब हम निकल गए हनोल से, और अब हम जा रहे हैं लाखा मंडल जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं यहाँ से, हनोल से तो हम निकल गए हैं, तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है लाखा मंडल।